हेलो दोस्तों, मेगा क्रिकेट स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ लंका प्रीमियर लीग 2024 का पैच। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पैच को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इस पैच को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस पैच को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चले जाना है megacricketstudio.com/shop पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जैसे ही आपकी गेम डाउनलोड हो जाए, सबसे पहले आपको चले जाना है विंडोज सिक्योरिटी में और यहाँ पर आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर लेना है। उसके बाद एक्सक्लूजन में चले जाना है, यहाँ पर एड एन एक्सक्लूजन में फोल्डर पर क्लिक करना है और गेम के फोल्डर को एक्सक्लूजन में डालना है। उसके बाद आपको पैच की सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे आपकी सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाए तो जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर एक रोस्टर वाला फोल्डर है, आपको उसको कॉपी करना है और डॉक्यूमेंट्स में ई स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर देना है। जैसे ही ये काम हो जाए आपको वापस से उसी फोल्डर में आना है जहाँ पर पैच है और यहाँ पर आपको क्रिकेट 07.exe वाले एप्लीकेशन को रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपकी गेम स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको रोस्टर लोड करना है। उसके लिए आपको माई क्रिकेट में लोड में यहाँ पर LPL 2024 वाले रोस्टर को लोड कर लेना है। उसके बाद आपको LPL 2024 के ऑप्शंस में चले जाना है। मैच की लेंथ आपको 20 ओवर्स रखनी है। उसके बाद अपनी फेवरेट टीम सिलेक्ट कर लेनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करते जाना है, लास्ट में डन पर क्लिक करके गेम को स्टार्ट कर देना है। अब आपकी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।